एवरीबॉडी, सो आज हम सैर करने चलते हैं बर्बरी विलेज की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है ये विलेज। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, शेक्सपियर जो उनसे थे वो इधर बॉर्न हुए थे। तो चलिए हम इस बर्बरी विलेज की सैर करते हैं और आई होप आपको भी ये अच्छा लगे। और बताए क्या, लास्ट टाइम मैं लास्ट ईयर इधर गई थी और इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल विलेज। जब आप, मेरा तो खैर आने को बिल्कुल दिल नहीं किया था जब मैं गई थी, और इट जस्ट ऐसे लगता है कि जैसे ये फेरी टेल है, आप किसी मूवी में आ गए हो। यहाँ पे आके ऐसा लगता है इट्स सो नाइस एंड क्लीन, जस्ट अमेजिंग। और ये कोई पार्क नहीं है, ये जस्ट पाथवेज बने हुए हैं जो कि कैनाल है, साथ ये ब्रिजेस हैं जहाँ से आप बस क्रॉस कर सकते हो। और ये नहीं कि यहाँ पे लोग कोई छलांग वगैरह लगाते हैं, नो, ये ब्यूटीफुल डक्स, सच अ क्यूट डकी। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये विलेज है ही बड़ा खूबसूरत। आई थिंक ये 1930s की है ये विलेज, और उससे भी पहले का ही होगा। और ये हाउसेस हैं, पहले मुझे लगा ये जस्ट मॉडल हाउसेस हैं, पर ये मॉडल हाउसेस नहीं थे, ये रियल हाउसेस हैं जो कि यहाँ पे लोग रहते हैं। और इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लिव हियर इवन इस विलेज में भी। और ऐसे लगता है जैसे ये पार्क्स में घर बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, पार्क्स नहीं है, ये पाथवे है। और ये ब्यूटीफुल कैनाल, इवनिंग में कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ पे वॉक करने का, मज़ा आता होगा। और ये यहाँ का चर्च, और ये यहाँ की ग्रेव्स, कितने सौ साल पुरानी विलेज होंगी। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो ये विलेज देख के। अभी तो हम ग्रेवयार्ड में घूम रहे हैं, ये देखिए ये जस्ट सो ब्यूटीफुल, इज़न्ट इट, ऐसे लगता है जैसे डोल हाउसेज हैं। और वाकई ही ऐसे लग रहा था जैसे ये डोल हाउसेज हैं। और हाँ, अगर आपको ये विलेज अच्छा लगा है ना, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस विलेज।